अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हेल्दी नटी चॉकलेट पॉप्स बना रहे हैं। ये बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट है। इसको हम चॉकलेट और मुख्तलिफ किस्म के नट्स से और हनी का इस्तेमाल करते हुए इसको हम प्रिपेयर करेंगे। झटपट बन जाने वाला ये बहुत ही शानदार डेजर्ट है। इसको आप अफ्तार में सर्व कर सकती हैं। तो मुख्तलिफ जो नॉर्मल रूटीन में हम रोज़ा जिस तरीके से खोलते हैं, तो ये आप मज़ेदार से चॉकलेट डेजर्ट के साथ भी रोज़ा खुलवा सकते हैं। तो इसको आप मिठाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ईद पर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ सर्व की जाती हैं, तो आप इसको एडवांस में बनाकर फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपके गेस्ट्स आएँ तो आप इसको एज अ स्वीट जो है वो सर्व कर सकते हैं। अब चूँकि इसमें चॉकलेट है, नट्स हैं, तो बच्चों की तो ये ऑल टाइम फेवरेट होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं आधा कप बादाम, आधा कप काजू और आधा कप ही मैंने मूँगफली ली है। तो यहाँ पर अब दो हाफ रोल्स जो हैं मैंने ये बिस्किट्स के लिए हैं, तो इसको आपने एक ब्लेंडर जार में आपने डाल देना है, चॉपर में इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें बिस्किट्स के, और इनको आपने बिल्कुल चूरा नहीं करना। थोड़ा सा इसमें जो है क्रस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। तो इसको आप जो हैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चौथाई कप शहद लिया है, तो इस शहद को भी हमने इसमें मिक्स कर देना है। फिर जो हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है, मैंने हाफ कप लिया है, लेकिन आपने ये सारी एक दम नहीं डाल देनी। पहले आपने आधा मिक्सचर डालना है, आधी व्हिपिंग क्रीम डालनी है, फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने बाकी की क्रीम डालनी है। इस मिक्सचर को हमने इस तरह से बनाना है कि जब हम इसको बाइंड करें ना, तो ये एक बॉल की शक्ल में इकट्ठा हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे तो ये इस तरीके से इसकी बॉल्स नहीं बन सकेंगी। तो आपने एहतियात के साथ व्हिपिंग क्रीम हाफ कप ही यूज़ करनी है। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स करते हुए 17 बॉल्स जो हैं प्रिपेयर कर ली हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम जो है ये डार्क चॉकलेट ली है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की चॉकलेट यूज़ कर लें। इसको आप 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें। फिर यहाँ पर मैंने इसमें 3/4 कप दूध का डाल दिया है, और इसके साथ ही हम इस पे 2 टेबलस्पून जो हैं कोकोनट ऑयल के डालेंगे। ऑयल से इसमें शाइन भी आएगी और ये जो है ना वो जमेगी नहीं, हार्ड नहीं होगी। तो अब आपने एक ट्रे में बटर पेपर अच्छी तरह से बिछा लें, और एक वुडन स्टिक लेते हुए आपने इसको जो बॉल है उसमें आपने इंसर्ट करनी है, और फिर आपने चॉकलेट में डिप कर देना है। उसके बाद आपने जो ट्रे में पेपर लगाया हुआ है इसके ऊपर इस बॉल को ट्रांसफ़र कर दें। चम्मच की मदद से एहतियात से इसको रख लें, और जो ऊपर वो जो उसका सुराख बन जाएगा ना, तो उसको आपने यही चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट लेके फौरन ही इसको कवर कर देना है। तो इसी तरीके से आप ये तमाम बॉल्स जो हैं चॉकलेट में डिप कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ये सारे बॉल्स बना लें। इनको अच्छी तरह से चॉकलेट में डिप करना है। ये चॉकलेट आपने ठंडी करनी है पहले, इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, फिर इन बॉल्स को आपने इस चॉकलेट में डिप करना है। तो इस तरह से ये होगा कि ये बॉल्स जो है अभी जब चॉकलेट जो है ना ये मेल्टेड फॉर्म में ही होगी, तो आपने ये जो कद्दूकश किया हुआ नारियल होता है, खोपरे का बुरादा जो होता है, इसको आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा होता है, और ये इतना टेम्पटिंग होता है कि दिल करता है कि इसको अभी आप उठाएँ और खा लें। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में फ्रीज करना है, और उसके बाद आप इसको बहुत ही खूबसूरत से कोई पेपर कप्स ले लें, उसमें बड़े ही अच्छे से स्टाइल में आप इसको प्रेजेंट करें। आप बिलीव करें कि जब आप अपने गेस्ट को ये सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है, ये लुक्स में भी बहुत मज़ेदार है, बड़ा यूनिक सा आइडिया, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा आप इसको एडवांस में बना कर प्रिपेयर करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और किसी भी जिप लॉक बैग में इनको आप रख सकती हैं, या डब्बे में रख सकती हैं कंटेनर में। तो जैसे ही बच्चे जब भी ज़िद करते हैं कि कोई भी चॉकलेट या बाहर की कैंडीज़ वगैरह खाने की, तो ये आप घर पर मौजूद हेल्दी कैंडीज़ उनको आप सर्व कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स किया करें कि हम जायका भी हासिल करें और हमारी हेल्थ भी मुतासिर ना हो। तो दोनों तरीक़ों से अब आप देखें कि ये कितना मज़ेदार सा डेजर्ट हमारा मिनटों में तैयार है।